सस्पेंस लेवल कुछ फीचर डाल दिया इस बाइक में, तो रेड एंड ब्लैक में तो 220 है भाई, एकदम किलर वाला। और देखो काफी वो कार्बन फाइबर जैसा लुक है यार, कार्बन। सो गाइस बी 2023 BS7 220 जो पहले जो मॉडल आता ना, हम लोग क्या बोलते इसको, खरगोश बोलते थे पहले। सो गाइस वही बाइक है आज 2023 BS7 का बाइक है। देखो भाई पहले इसका बारे में कुछ बात बोलते, पहले पीछे का टायर 100/20, बैक एंड में 18/70 का टायर है पीछे वाला टायर, और फ्रंट वाला जो टायर है फ्रंट वाला 19/9/17 का जो टायर है ABS, फ्रंट में तो ABS है और ये हाइड्रोलिक जैसा था जैसा लुक था बाइक का, सेम ही लुक है एकदम। तो गाइस देखो कार्बन फाइबर की तरह लग रहा है, कार्बन फाइबर, और सेम ही एग्जॉस्ट के आता है बाइक, और कुछ थोड़ा एडवांस लेवल का फीचर्स डाल दिया इस बाइक में, तो 220 है। तो गाइस फाइनली लेके आ चुका हूँ पल्सर 2023 BS7 220 है यार। जिन लोगों से प्यार था इस बाइक से यार, KTM RC से अच्छा है, KTM ड्यूक से भी अच्छा है बाइक, और पल्सर RS से तो बेहतर है बाइक भाई। पहले बाइक का पावर कितना था यार, बहुत पावर था भाई, और जस्ट लुक देखो, पहले लुक देखो बाइक का यार, लुक तो इन्हें। अब बाइक का ऑल फीचर्स सुनो, LED प्रोजेक्टर, और इधर जो एयर प्रेशर है ना, एयर प्रेशर इंजेक्ट करता है इसे BS7 में, और जो पहले जैसा लुक था वैसा ही लुक है, और थोड़ा एडवांस लेवल कुछ फीचर डाल दिया इस बाइक में, तो रेड एंड ब्लैक में तो 220 है भाई, एकदम किलर वाला। और देखो कार्बन फाइबर जैसा लुक है यार, कार्बन फाइबर जैसा लुक, तो 220 इंजन यार, 220 CC का इंजन है, और फाइव गियर के साथ आता है। तो इस बाइक का पावर तो एकदम फाड़ूदार था BS4 में, आई थिंक BS7 में थोड़ा पावर क्या कम या ज़्यादा कर दिया, मेरे को मालूम नहीं, तो ये बाइक चलाने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा कि पावर कम है या ज़्यादा है। और इसका जो टैंक है, टैंक आई थिंक 14 लीटर का टैंक है, और जो जैसा मीटर आता था वैसे ही मीटर है। ये देखो इंडिकेटर का स्विच, लाइट जैसा आता है, और आप लोग बाइक के जो चालक है आप लोग मज़ा ले सकते हो भाई, कितना स्पीड आएगा आप लोगों को पता चल जाएगा। देखो मेरा विजिबिलिटी भी मस्त है, और एकदम जो बैठ के भाई मज़ा ही कुछ अलग है, 220 में बैठ के मज़ा ही कुछ अलग।